साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमाए उर्दू हिंदी में। आज हम लेके आए 10th क्लास की, ये 225 इसका नंबर है, NIOS का पेंटिंग का प्रैक्टिकल कैसे बनाएंगे, कैसे करना है। तो मैं आपके लिए लेके आया उर्दू में, वो भी देखिए उर्दू में परेशानी होती है सबसे ज़्यादा बच्चों को, तो उर्दू के लिए हम लेके आए। इसमें जो है ये पे किताब नंबर 1 है, इसके चैप्टर हैं, हमें तो इसमें प्रैक्टिकल बनाना है। तो प्रैक्टिकल के लिए हम चलते हैं यहाँ पे। प्रैक्टिकल के अंदर कहाँ से शुरू हो बता देता हूँ आपको। ये हमारा जो है ये सेकेंड बुक है इसकी, ठीक है, ये सेकेंड बुक है। सेकेंड बुक कहाँ पे पूरी हो रही है देख लेते हैं। सेकेंड बुक के बाद जो है इसके बाद जो है सेकंड बुक के बाद प्रैक्टिकल की बुक है, मतलब इसमें आपको प्रैक्टिकल बनाना है, ठीक है। देखते हैं क्या है इसमें, ठीक है। इसके अंदर जो है मैं बता दूं, पेंटिंग प्रैक्टिकल जो है ये बुक है वैसे तो पेंटिंग की प्रैक्टिकल की, लेकिन इसके ज़रिए अगर आप बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा डिफ़िकल्ट। इसमें इसके जो है ना अमली सरगर्मी के रहनुमा खतूत हैं, यानी यहाँ पे आपको बनी बनाई काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो इसी की मदद से हमें ये तैयार करना है, ठीक है। साजो सामान और मवाद, पहला है इसमें कि ड्राइंग और तस्वीर के मुख्तलिफ साजो सामान और मवाद से रूशनास कराएं। इसमें आपको ऐसे ही लिखते चले जाना है सारा। मकासिद क्या है इसमें ये लिखेंगे आप पहले, क्या क्या मकासिद हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर ये मवादों का इस्तेमाल, जो जो आपकी चीज़ें, ध्यान से आपको इसे पढ़ना है ताकि आप जो है सही से बना सकें, और अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल होगा, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और ये आपको तैयार करनी है। रंगीन चाक, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा इन्हें क्या किस में लिखा हुआ है, ठीक है जी। इसमें सारे ही नहीं लेने, मतलब कुछ ले लीजिएगा कुछ बना लीजिएगा, और सारे जो है सारे करेंगे तो आपको परेशानी होगी, सारे कर भी नहीं पाएंगे। वैसे मैंने पेंटिंग का एक और बना रखा है, उससे भी आप बना सकते हैं और यहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए मैंने बना दिया है पेंटिंग का, ठीक है, पेंटिंग का प्रैक्टिकल है ताकि आप लोग अच्छे से इसे समझ जाएँ, अच्छे से कर लें, ठीक है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें साफ समझ में आ जाएंगी, इसमें क्या चाहते हैं क्या मकसद है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है मुझे और भी सब्जेक्ट के बनाने हैं, तो मैं सिर्फ यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ, आप इसको बना लीजिए। अशिया का मुताला, सरगर्मियाँ, साजो सामान और मवाद। अशिया का मुताला, इंसान की बनाई हुई चीज़ों का हजम, तनाजुर और हल्के गहरा शेडों के लिहाज से मुताला करना। इसको पढ़ लीजिएगा क्या मकासिद है क्या बनाना है सब लिखा हुआ है, ध्यान से आप पढ़ सकते हैं इसमें। और भाई देखो पेंटिंग का तो ऐसा है मिलना मुश्किल हो जाता है, मैं तो आपको ये फिर भी दिखा रहा हूँ, पेंटिंग वाले तो मिलते ही नहीं हैं, बच्चे परेशान हैं पेंटिंग का काम मिलेगा। फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि आपको प्रैक्टिकल जो है होने से पहले पहले सब चीज़ें बनवा दी जाए ताकि आप प्रैक्टिकल तैयार कर लें। कुदरत का मुताला, तीन है ऐसे ऊपर डालिए गए, और ये सब लिखना है मकासिद में, सारा कुछ लिखना है आपको। फिर उसके बाद ये पिक्चर्स आप बना लीजिएगा और प्रिंट भी निकलवा के बहुत से बच्चे लगवा लेते हैं, थोड़े बहुत नंबर उस पर भी दे ही देते हैं वहाँ के टीचर्स, तो बहुत ध्यान से बनाइएगा बनानी है तो। और इसके फ़ोटोज़ हो सकता है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए,
वरना आप यहीं से स्क्रीनशॉट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से बनाए। ये आपके लिए बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। इंसानी अशकाल चौथा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 10वीं क्लास का जो प्रैक्टिकल है, ज़्यादा बड़ा नहीं। आपको मैं सेकंड पार्ट भी दिखा दूँगा अभी एक बार, ताकि आप परेशान ना हो कि भाई सेकंड नहीं दिखाया हो, वो भी दिखा दूँगा। उसमें से अगर आपको लग रहा है तो उसमें से भी आप हेल्प ले सकते, जब इतना दिखा रहा हूँ तो वो भी आप। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए इसमें किस तरह से बना है आपके लिए, और आपके लिए तैयार कर रहा हूँ मैं वक्त निकाल के। ठीक है, आप हमसे एडमिशन वगैरह भी करा सकते हैं, NIS के कोचिंग क्लासेस भी ले सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा आप चाहें। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, और आपके हर तरह के प्रैक्टिकल भी मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में जाइएगा आप, प्रैक्टिकल 10th क्लास, प्रैक्टिकल 12th क्लास, जिसमें भी आप उस क्लास के प्रैक्टिकल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रैक्टिकल बना रहा हूँ मैं, ताकि आप अच्छे से पेपर में कर जाएं। जानवरों और परिंदों का मुताला इस पे ही बनाना है आपको। मकासिद, इसके बाद जो है चिड़िया है, इस तरह से बनानी है। इस तरह से आप बना लीजिएगा, फ़ोटो भी लगा सकते हैं, फ़ोटो पे बस ये कमर कम हो जाएंगे आपके। तस्वीर का काम ज़्यादा है, और चाहे तो सारी बना दे, चाहे तो कम बना दे, ये नहीं कि सारी बनानी कंपलसरी, कम भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी बनाना चाहते हैं। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा कि आप बनाना कितनी चाहते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल ये नहीं है भाई बनानी बनानी, आपके ऊपर डिपेंड है। तस्वीरी तरतीब,
आपको बनानी है। ये आपके लिए तैयार किए चले जा रहा हूँ मैं एक के बाद एक, ताकि आप जो है बहुत मेहनत के साथ प्रैक्टिकल में भी पास हो जाएं और अच्छे नंबरों से सब सब्जेक्ट में। इंशाल्लाह इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, वो भी जल्दी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है जो चल रही है पसंद आ रही होगी। और यहाँ पे अख्तितम हुआ प्रैक्टिकल का। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप हमसे NIS के एडमिशन भी करा सकते हैं, NIS की गाइड भी आप हमसे हासिल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 9136183233 यही व्हाट्सएप पे। शुक्रिया वीडियो पसंद करने का।